तीसरी लहर के खतरे की आशंका के बीच राहत वाली खबर। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बोले, बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरे की आशंका नहीं। तीसरी लहर में बच्चों पर पहली और दूसरी लहर जितना ही खतरा। डॉक्टर गुलेरिया बोले, नहीं है डरने की कोई जरूरत। वायरस तो वही है, इसलिए ये कहना कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में टेस्ट ज्यादा होंगे, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने ब्लैक फंगस को बताया बड़ी चुनौती का, अस्पतालों में बनाने पड़ रहे हैं हमें अलग से वार्ड। ब्लैक व्हाइट और येलो फंगस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, शरीर के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने के कारण बदला है रंग। वैक्सीन को लेकर जारी है तकरार, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। गंभीर है, इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और गंभीरता से स्टैंड उठाएं। दिल्ली को नहीं मिल रही वैक्सीन, बंद हो गए 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर। राजस्थान में भी वैक्सीन की भारी कमी, जयपुर में वैक्सीन केंद्र पर लोगों ने किया हंगामा। पंजाब में वैक्सीन की कमी, राज्य में 18 से 45 साल के लोगों के लिए फिलहाल 50 लाख डोज की जरूरत। मॉडर्ना और फाइजर ने सीधे राज्यों को वैक्सीन देने से मना किया, केंद्र को सप्लाई करेंगी दोनों कंपनियां। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा दावा, कहा राज्यों के पास मौजूद 1,80,00,000 डोज। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में किया बदलाव, 18 से 44 साल के लोगों को नहीं होगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत। देश भर में तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना केस, 88% के पार रिकवरी रेट। लगातार कम हो रहे हैं देश में कोरोना के नए केस, एक दिन में सामने आए 2,22,315 नए मरीज। कोरोना के घटते मामलों के बीच कम नहीं हो रहा मौत का आंकड़ा, एक दिन में 4,400 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के केस, 30 जून तक 4 चरणों में ढील दे सकती है लॉकडाउन में सरकार। राजस्थान में 24 घंटे में सामने आए 4,400 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 103 लोगों की मौत। बिहार में जून तक बढ़ गया लॉकडाउन, हिमाचल उत्तराखंड में भी जारी रहेंगे प्रतिबंध। देश के 18 राज्यों में सामने आए ब्लैक फंगस के 5,400 से ज्यादा मामले, गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्लैक फंगस के मामलों पर डॉक्टर से ली जानकारी। पूर्वांचल के तूफानी दौरे पर ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोंडा और आजमगढ़ में भी स्थिति का जायजा लिया। कल मिर्जापुर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कमांड सेंटर का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में वैक्सीन की कमी पर भड़का लोगों का गुस्सा, सेंटर पर विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी। टूलकिट मामले में ट्विटर को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने पूछा किन तथ्यों पर आपने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताया। दिल्ली में लाडू सराय के ट्विटर दफ्तर में पहुंची दिल्ली पुलिस, गुरुग्राम के ऑफिस भी जाएगी जांच टीम। कमलनाथ के बयान पर लगातार बढ़ रहा विवाद, खरगोन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिमा। कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान पर बीजेपी आग बबूला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया देशद्रोह। कमलनाथ के बयान पर बड़े विवाद के बीच कांग्रेस का पलटवार, आंकड़े कम करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कोरोना डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगा दीजिए फोटो। डूंगरपुर में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी, भेड़ बकरियों की तरह बस में बैठी महिलाएं। राजस्थान के जोधपुर में 23 दिन में 10 साल से उम्र के 684 बच्चे पॉजिटिव मिले, 1 अप्रैल से अभी तक 900 के पार बच्चों का आंकड़ा। बलिया के गांव में एक महीने में करीब 40 लोगों की मौत, गांव वालों का दावा कोरोना से गई सभी की जान। हरियाणा में कोरोना मरीजों को 1,00,000 कोरोनिल किट बांटेगी सरकार, पतंजलि और खट्टर सरकार मिलकर करेंगे ये काम।
सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन, 26 मई को 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाएंगे किसान। हिसार पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, महापंचायत में अन्नदाताओं के साथ 26 मई की तैयारी पर चर्चा। हिसार में महापंचायत के दौरान एक किसान की बहुत दिल का दौरा पड़ने से 70 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। पंजाब में काला दिवस मनाने की तैयारियां, घरों में काली झंडियां तैयार कर रही हैं महिलाएं। बिहार के दरभंगा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर गाज गिरी, शहर के पुलिस कप्तान ने खुद संभाला मोर्चा। लखनऊ में पीसीएस अधिकारी ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए बनाई वानर सेना, कई लोग जुड़े। हत्या केस में पहलवान सुशील कुमार से पुलिस की पूछताछ, दिल्ली क्राइम ब्रांच जांच कर रही, बावनिया गैंग से भी कनेक्शन है सुशील का। सुशील केस में छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से मिली स्कॉर्पियो, इसी कार में सुशील की मदद करने आए थे बवानिया गैंग के सदस्य। रेलवे से निलंबित हो सकते हैं सुशील कुमार, स्पोर्ट्स कोटे से मिली थी ओलंपिक पदक विजेता सुशील को रेलवे में नौकरी। कम नहीं हो रही दीप सिद्धू की मुश्किलें, फरीदकोट में कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में अवैध वसूली करने वाले गैंग का खुलासा, दो गिरफ्तार। आगरा में ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की ने अपनी जान दे दी, पड़ोसी युवक ने पहले बनाया वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गुरदासपुर में पूर्व काउंसलर और मौजूदा काउंसलर के बीच गोली चली, आपसी रंजिश में हमला। नोएडा में फर्जी आधार कार्ड बनाकर धोखाधड़ी करने वाले दो गिरफ्तार, अलग अलग कंपनी के 21 सिम कार्ड इनसे मिले। दरभंगा में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, परिजनों ने रिश्तेदारों पर ही शक बताया। सीतापुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की ईंटों से कूट कूट कर हत्या। गोपालगंज में दिन दहाड़े गोली मारकर शिक्षक की हत्या, नाराज लोगों ने सड़कों पर लगाया जाम। छपरा में दबंगों की मनमानी, सार्वजनिक हैंडपंप पर हाथ धो रहे दलितों को बेदर्दी से पीटा, नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। राजस्थान की बूंदी में जमीन को लेकर हिंसक झड़प, एक की मौत। पीलीभीत में जयमाला के समय गिरफ्तार हुआ दूल्हा, पुरानी पत्नी ने लगाया तलाक नहीं देकर दूसरी शादी करने का आरोप। पटना की फैक्ट्री में ब्लास्ट से हड़कंप, इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत। भरतपुर में ट्रेन में लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में एक परिवार पर पड़ोसी ने कर दिया हमला, सुंदरकांड के पाठ को लेकर बढ़ गया था विवाद। दरभंगा में 7 किलो गांजा के साथ 3 गिरफ्तार, 6,15,000 रुपए जब्त। बंगाल के खाड़े पर मंडराया चक्रवाती तूफान यास का खतरा, पश्चिम बंगाल ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक अलर्ट। 26 तारीख की शाम यास के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने का अनुमान, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज चलेगी हवा। ओडिशा के तटीय इलाकों में शुरू हुई बारिश, 25 मई से पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। यास के खतरे को देखते हुए केंद्र ने संभाली कमान, गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। यास के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तैयार, ओडिशा में 800 से ज्यादा जवान तैनात। यास से पहले पश्चिम बंगाल पहुंची एनडीआरएफ की टीम, लोगों को किया गया सतर्क। तूफान को लेकर एक्शन में कोस्ट गार्ड की टीम, हल्दिया में जहाज से लोगों को अलर्ट किया गया। तूफान से निपटने के लिए रेलवे ने शुरू की तैयारियां, रेलगाड़ी की बोगियों को जंजीरों से बांध कर रखा। बंदरगाहों पर शुरू हुई यास से निपटने की तैयारियां, बांध कर रखे गए हैं जहाज। आंध्र प्रदेश में यास को लेकर अलर्ट, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने गृहमंत्री को दी स्थिति की जानकारी। खुल गए केदार मद महेश्वर के कपाट, कोरोना के चलते दर्शनों पर फिलहाल रोक। भुवनेश्वर की एक जोड़ी पेश कर रही है मिसाल, कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार में पति के साथ पत्नी ने छोड़ दी नर्स की नौकरी। मुंबई में कोरोना ने डब्बे वालों को किया बेहाल, लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति है इनकी खराब। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बन रहा है यूपी का सबसे हाईटेक थाना, 21 करोड़ रुपए यहां पर होंगे खर्च। लोन मोरेटोरियम पर कर्जदार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने कहा आरबीआई करेगा ब्याज माफी पर फैसला। 111 अंकों की बढ़त के साथ 50,651 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 22 अंकों की मामूली गिरावट।
कोविन ड्राइव के जरिए भी जान सकते हैं आप वैक्सीन के स्लॉट की जानकारी, लोकेशन या पिन कोड डालने पर आपको मिल जाएगी अस्पताल की जानकारी। उद्योग जगत ने वैक्सीनेशन को बताया कंज्यूमर्स सेंटिमेंट्स सुधारने का फॉर्मूला, कहा सुस्त रफ्तार वर्क फ्रॉम होम से धीमी हुई रिकवरी। आज से गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज शुरू, 28 मई तक निवेश के लिए 4,882 रुपए प्रति ग्राम किया गया रेट तय। मुद्रा लोन को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी है सरकार, कोरोना के बाद छोटे लेनदारों को मदद करने की पहल। बेलारूस में लड़ाकू विमान भेजकर ग्रीस से लिथुआनिया जा रहे विमान की जबरन लैंडिंग, सरकार विरोधी पत्रकार गिरफ्तार। दुनिया भर में बेलारूस की दादागिरी की आलोचना, लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने ईयू और नेटो से लगाई गुहार। 5 महीने के बाद अमेरिकी संसद भवन की सुरक्षा में तैनात नेशनल गार्ड्स की वापसी, कैपिटल पुलिस ने फिर से संभाली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 16,75,00,000 से ज्यादा मरीज, 34,78,000 से ज्यादा की अब तक मौत। जापान के दूसरे सबसे बड़े शहर ओसाका में कोरोना से हाहाकार, संक्रमितों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों में बेड्स की कमी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में घरों का किराया बढ़ने को लेकर लोगों में नाराजगी, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। 4 हफ्ते से कोलंबिया में जारी है सरकार विरोधी प्रदर्शन, राजधानी बोगोटा में प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच जमकर झड़प। 3 साल बाद पहली बार नजर आई दुबई के शासक की बेटी प्रिंसेस लतीफा, एक मॉल में दोस्तों के साथ घूम रही थी, तस्वीर हुई लतीफा की वायरल। हांगकांग में 15.81 कैरेट की शकुरा डायमंड की नीलामी, रिकॉर्ड 212,84,00,000 में बिका हीरा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में पहुंची प्रियंका, सोशल मीडिया पर शेयर की खुद अपनी तस्वीर।